जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि पार्टी के सभी प्रकोष्ठ आपस में समन्वय बनाकर काम करें, जिला अध्यक्ष प्रखंडों का दौरा करें, संगठन में एकजुटता समर्पण समन्वय आवश्यक तत्व है। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो किया है वह किसी ने नहीं किया है। जदयू के कर्पूरी सभागार में जदयू महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी की प्रथम बैठक जदयू महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षता श्वेता विश्वास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। ललन ने कहा कि महिला प्रकोष्ठ बहुत भारी प्रकोष्ठ है क्योंकि यह आदि आबादी का नेतृत्व करता है। पार्टी में एक दर्जन प्रकोष्ठ है परंतु 50% आबादी वाला एकमात्र प्रकोष्ठ महिला प्रकोष्ठ ही है। नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास का नारा दिया था, तब मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। मुख्यमंत्री आज भी उस पर कायम है। उन्होंने कहा कि गर्व के साथ सभी घरों तक सिर्फ पहुंचने का काम करिए। मुख्यमंत्री ने जो किया है वो बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ सभी घरों तक पहुंचने की आवश्यकता है। सब नेताएं उपस्थित हैं, रविंद्र सिंह जी जो
शपथ ग्रहण बाकी है, बाकी सब औपचारिकता पूरी हुई है। सदस्य के रूप में नवीन आर्या चंद्रवंशी जी जो बिहार इकाई के उपाध्यक्ष हैं, मृत्युंजय जी हैं पार्टी के महासचिव और संचालन कर रही हैं, प्रतिभा जी और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी भी जिलों की अध्यक्ष है, बाकी राज्य की पदाधिकारी प्रकोष्ठ के फिर से गठन के बाद पहली बैठक है और मेरे लिए तो पुराना इतिहास है, उसका अलग विषय है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड है कि फिर से जब हमने राजनीति शुरू की फिलहाल तब से लेकर आज तक की पहली बैठक है जिसमें महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी ने उसके पहले का अनुभव है हम लोगों का सत्ता पार्टी के दौर का, वर्षों वर्ष तक उस वक्त भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते रहते थे और मन में तमन्ना थी कि कभी तो वक्त आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बारे में आप लोगों को बाद में जदयू महिला उपाध्यक्ष पटना की हूँ और मुझे यह कहते हुए अपार खुशी हो रही है कि हमारी महिला अध्यक्ष श्वेता विश्वास के द्वारा आज हमें लेटर मिला है जिसमें हम लोग नए उपाध्यक्ष सचिव महासचिव का गठन हुआ है पूरे बिहार सरकार का और हम लोग सभी महिलाएं मिलजुल कर सरकार को मजबूती प्रदान करेंगी, नीतीश बाबू को मजबूती प्रदान करेंगी और हम लोग जदयू को मजबूती प्रदान करेंगे। आपका परिचय मैम? मैं प्रियंका कुमार, महिला उपाध्यक्ष पटना।